आचार संहिता प्रभावी हो जाने के उपरांत हम कोई भी कैश धनराशि लेकर के सामान्यतः नहीं चल सकते। एक सीमा है 50,000 रुपये की। 50,000 रुपये से अधिक अगर पैसा आपके पास है, आपको किसी इमरजेंसी में लेकर के जाना पड़ रहा है, तो आपको उसके साथ अपना इस पैसे का कहाँ से आपने इसको अरेंज किया है इसका प्रूफ रखना होगा, किस बैंक से आपने इसको निकाला है इसका प्रूफ रखना होगा। अगर चेकिंग कर रहे लोगों को आप ये प्रूफ उपलब्ध कराने में अक्षम होंगे तो ये धनराशि रोकी जा सकती है, डिटेन की जा सकती है, और डिटेन करने के बाद ये ट्रेजरी में जमा हो जाती है। मुक्त कैसे होगी अगर कोई चाहता है, कब तक होगी? हाँ, जब ये ट्रेजरी में डिटेन हो गई उसके बाद, अगर आपको उसके बाद भी वो कागज़ मिल जाते हैं जिन कागज़ों को आप ले जाना भूल गए थे साथ में, तो आप एक अप्लीकेशन दे सकते हैं यही जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में, और उसका सबूत लगा सकते हैं कि साहब ये जो धनराशि मेरे पास मिली थी इसका ये प्रूफ है या ये इसके सबूत हैं जहाँ से वो लेकर के आए थे, उसके उसके स्रोत का जो विशिष्टीकरण है वो आप लेकर के यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। फिर एक समिति है यहाँ पर जिसमें ट्रेजरी अफसर हैं और कई सदस्य हैं, उन लोगों की एक बैठक होती है। बैठक होने के बाद उसमें ये विचार किया जाता है कि जो साक्ष्य दिए गए वो पर्याप्त हैं या अपर्याप्त, और अगर वो पर्याप्त पाए जाते हैं तो धनराशि छोड़ दी जाती है। इसके अतिरिक्त अगर 10 लाख रुपया कहीं आपको ले जाना पड़ रहा है और उसका प्रूफ नहीं है और वो धनराशि जब्त हो जाती है, तो 10 लाख रुपये या उससे अधिक की धनराशि, उसकी इन्फॉर्मेशन हम सीधे इनकम टैक्स विभाग को देते हैं ताकि इनकम टैक्स विभाग भी अपने तरीके से उसकी जाँच कर सके।